अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक और नई वर्ड प्रॉब्लम जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ही बिलोंग करती है, आइए उसको हल करते हैं। एट द एंड ऑफ ईच ईयर द वैल्यू ऑफ अ स्कूटर ओन्ड बाय नासिर डेप्रिशिएट्स 20% ऑफ द वैल्यू इट हैड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। वो कह रहे हैं कि नासिर के पास एक स्कूटर है जो कि हर साल के एंड में 20% डेप्रिशिएट हो जाती है। डेप्रिसिएशन से वर्ड निकला है डेप्रिशिएट, और डेप्रिशिएट का मतलब होता है कीमत में कमी आ जाना। आप जानते हैं कि आप जो भी चीज़ नहीं ख़रीदते हैं, इस्तेमाल करने की वजह से वो चीज़ पुरानेपन का शिकार होती चली जाती है और उसकी कीमत गिरती चली जाती है। तो ये जो कीमत में गिरावट है और जो कीमत में गिरने का सालाना जो रेट या रेशो है, वो एक्चुअली यहाँ 20% है। यानी कि जो भी स्कूटर है वो हर साल अपनी कीमत से 20% नीचे गिर जाती है। अब अगर वो कह रहे हैं कि इट वॉज वर्थ ₹20,000 न्यू, वो कह रहे हैं अगर नासिर ने न्यू स्कूटर 20,000 का ख़रीदा था, वॉट इज़ इट्स वैल्यू नाउ एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। तो कह रहे हैं कि आज अभी 5 साल मुकम्मल हो गए हैं उसको स्कूटर लिए, तो बताएं अभी 5 साल बाद इसकी नई वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम इस बात को समझते हैं कि ये जो 20,000 है, अगर ये 20% से डेप्रिशिएट होता है तो कैसे होगा, यानी कि हम कैसे इसकी वैल्यूएशन करेंगे 1 साल बाद। यानी कि अगर नासिर ने 20,000 का नया स्कूटर परचेज किया आफ्टर 1 ईयर, जो डेप्रिसिएशन होगा वो 20,000 का 20% लेने से आएगा, और डेप्रिसिएशन का मतलब है कि 1 साल में उसकी कितनी कीमत गिर गई है। तो डेप्रिसिएशन हमारे पास 4,000 आया, यानी कि वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर 20,000 में से 4,000 कीमत जो गिर गई थी वो आप माइनस कर दें, तो हमें पता चला कि 1 साल बाद जो उसकी कीमत होगी वो 16,000 होगी। तो पहले साल जब स्कूटर नया था तो 20,000, 1 साल बाद ठीक इसकी कीमत रह गई 16,000। अब 2 साल बाद इसकी कीमत कितनी रह जाएगी, तो उसके लिए फिर हम 16,000 को 20% से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 16,000 का 20% तकरीबन 3,200 बनेगा, यानी कि 3,200 इसकी कीमत मजीद गिरेगी दूसरे साल। और जब आप 16,000 में से 3,200 माइनस करेंगे तो इट विल बी आई थिंक 12,800 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। सो दिस वैल्यू इज़ आफ्टर 1 ईयर, दिस वैल्यू इज़ आफ्टर 2 ईयर्स, लेकिन हमें मालूम करना है 5 साल। तो हम ऐसे भी मालूम कर सकते हैं, मगर ये तरीका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। इसलिए अगर हम इसको बहुत तेज़ी से और आसानी से करना चाहते हैं तो हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की मदद लेनी चाहिए। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए इस तरह से वर्किंग करने के बजाय कि हमने इसकी 1 साल बाद की जो बुक वैल्यू थी, जो 1 साल बाद उसकी जो मौजूदा वैल्यू थी, वो हमने कैसे मालूम की, हमने 20,000 का 20% लिया, और 20% लेने के बाद हमें पता चला कि उसकी कितनी कीमत गिरी। जो कीमत गिर गई वो हमने 20,000 में से माइनस कर दी, तो जो कीमत बच गई वो आ गई, यानी कि 16,000। इसी को क्या हम आसानी से ऐसे नहीं कर सकते थे कि हम डायरेक्ट 20,000 की बची हुई कीमत निकाल लेते? 20,000 की बची हुई कीमत निकालने के लिए हम डायरेक्ट इसको 80% से मल्टीप्लाई कर लेते। 80% से मल्टीप्लाई करने का मतलब भी यही है, 80% निकालने का मतलब भी यही है कि आप मल्टीप्लाई करवा दें 80 से और डिवाइड करवा दें 100 से। हमने 20% भी ऐसे ही लिया था कि 20%, यानी कि हमने मल्टीप्लाई किया था 20 से और फिर डिवाइड किया था 100 से, बिकॉज 20% मीन्स 20/100, बिल्कुल वैसी 80% मीन्स 80/100। तो 80% लेने का मतलब होगा 20,000 को आप 80 से मल्टीप्लाई करवा दें और उसको 100 से डिवाइड करवा दें, तो आपको डायरेक्ट 16,000 मिल जाएगा। बिल्कुल वैसे अगर हम 16,000 को मल्टीप्लाई करवा दें 80 से और डिवाइड करवा दें 100 से, तो फिर हमें डायरेक्ट 12,800 मिलेगा। और इस तरह से ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन चुकी है हमारे सामने, जिसमें फर्स्ट टर्म 20,000 है और 80% इसमें कॉमन रेशो है। और यहाँ ये बात समझ लीजिएगा, उन्होंने कहा था कि 5 साल बाद स्कूटर की क्या वैल्यू है, यानी कि हमें 6th टर्म मालूम करनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 साल बाद तो 2nd टर्म आ गई थी। 16,000 इज़ आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, तो 1 साल बाद तो 2nd टर्म आई है, और 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर्स हमारे पास 3rd टर्म आई है। सो होपफुली कि आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तब हम इस सवाल को बकायदा सॉल्व करते हैं, या हम सबसे पहले सवाल का डाटा बनाते हैं।
हमारे पास फर्स्ट टर्म है 20,000 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% दिया, यानी कि वो कहते हैं कि हर साल स्कूटर की कीमत 20% गिर जाती है, तो हम यूं कह देते हैं इसको कि हर साल 80% कीमत बच जाती है, और जाहिर सी बात है वैल्यू वही मानी जाती है जो उसकी बची हुई कीमत होती है, तो इसलिए हमारे लिए आर जो है वो 80% है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे मैंशन कर सकते हैं कि ओवरऑल 100% में से 20% कीमत गिरने के बाद 80% कीमत बच जाती है, यानी कि आप हर वैल्यू को 80% से मल्टीप्लाई करवाते चले जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी क्या वर्थ है जो कि सालों बाद इस्तेमाल के बाद बच रही है। 80% को अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो 80% का मतलब होता है 80/100, 80% सेंट 100 को कहते हैं, यानी कि 100/80, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और मज़ीद ये 2 वेरिएबल्स अगर आप कैंसिल करें तो इट विल बी 4/5, सो दिस इज़ आवर कॉमन रेशो 4/5, तो ए 20,000 आर 4/5 है और एन 6 है, यानी कि वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स। तभी हमने इस बात को बहुत तफसील से समझा कि सेकंड वैल्यू, क्योंकि एक साल बाद की वैल्यू है तो यही वजह है कि 5 साल बाद की वैल्यू 6 होगी, तो 6 टर्म हमें यहाँ पर मालूम करनी है। सॉल्यूशन करते हैं, जनरल टर्म फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन Tn is equals to a into r to the power n minus 1. Tn मतलब हमें छठी टर्म मालूम करनी है, दैट विल बी द बुक वैल्यू ऑफ स्कूटर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 5 ईयर्स। a हमारे पास 20,000 जो नई वैल्यू थी स्कूटर की जब वो 0 मीटर था, उस वक्त की वैल्यू 20,000 थी। r हमारे पास 4/5 आया है और n अगेन 6-1। नाउ T6 is equals to 20,000, तो यहां 4/5 की होल पावर बनेगी 6-1, 5। अब हम यहां 4 की पावर 5 और 5 की पावर 5 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, तो आप यहां देख सकते हैं 4 की पावर 5 का मतलब 4 को 5 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएं, और वैसे ही 5 की पावर 5 का मतलब आप 5 को 5 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएं, तो यहाँ पर 4 की पावर 5 आई 1024, 5 की पावर 5 बनी 3125। अब हम 20,000 को 1024 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर डिवाइड करवा देंगे 3125 से। तो आप देख सकते हैं 5 साल बाद स्कूटर काफ़ी खटारा हो चुका है, क्योंकि इसकी कीमत अब सिर्फ 6,553 रुपये है, जबकि ये 5 साल पहले 0 मीटर 20,000 रुपीज़ का था। तो आप चाहें तो रिजल्ट में वर्डिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 5 ईयर्स इज रुपीज़ 6,553.6। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे अंदाज से सवाल समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।